संतोष कंप्यूटर पॉइंट्स चैनल में स्वागत है आपका। आज हम आपको बीएससी नर्सिंग चार साल का, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो उत्तर प्रदेश का फॉर्म है उसको हम भर के दिखाएंगे, कैसे कैसे आप उसको भरेंगे। देखिए आप ये इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है KGMU और लखनऊ और सारे लगभग कॉलेज सारे इसमें आ जाएंगे। उसके अंतर्गत SGPGIMS लखनऊ, उसके भी कॉलेज आ जाएंगे उसमें। देखिए इसमें डेट भी लिखा हुआ है, किस डेट में आपको अप्लाई करना है और कब लास्ट डेट है। इसमें सेंटर भी दिया हुआ है, पास का गोरखपुर सेंटर दिया हुआ है, अब सेंटर का चुनाव भी अपना कर सकते हैं। तो देखिए हम रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे कैसे कैसे आपको फॉर्म भरा जाएगा। तो पहले आप नर्सिंग का साइट खोल लेंगे, abvmuct2024.co.in। आप गूगल में इंटर करेंगे, इंटर करते ही आपको अटल बिहारी वाजपेयी वाला फॉर्म खुल जाएगा। हम खोलने के बाद ऐसे आपको साइट को देखने को मिलेगा, आप उसमें बीएससी नर्सिंग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्म ऐसे खुल जाएगा। फॉर्म खोलने के बाद देखिए आप नाम इंटर कर लीजिए, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर दिखाएगा आपको। नाम इंटर कर लेंगे, नाम फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर माता का नाम इंटर कर लेंगे और फादर्स नेम इंटर कर लेंगे। इसमें जाति जो मांगा है 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का जाति नहीं चाहिए। फिलहाल इसमें जाति भी नहीं लगेगी, लेकिन आपको बनवा के रख लेना क्योंकि एडमिशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म भरने में अभी जाति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नाम, पिता का नाम, माता का नाम एंटर कर लें और मोबाइल नंबर। इस बार थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज की गई है, इसको ध्यान से वीडियो को आप देखेंगे, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। मोबाइल और मेल दोनों पे OTP जाएगा इस बार। अब मोबाइल नंबर एंटर कर लें और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मांग रहा है उसको भी आप एंटर कर लें और ईमेल आईडी अपना सही सही भर लें, क्योंकि मोबाइल और मेल दोनों पे OTP जाएगा। दोनों जब तक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें एक हैंडराइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको एक पेज निकलेगा जिसमें आपका नाम फ़ोटो लगेगा और आपको एक दो आइडेंटिफिकेशन मार्क इंटर करने होंगे। उसके अलावा उसमें एक साइन चाहिए होगा और राइट और लेफ्ट दोनों अंगूठा उसमें लगेगा। उसके बाद उस प्रोफार्मा को आपको उसमें लोड भी करना रहेगा। कैसे लोड करना रहेगा ये आप वीडियो बने रहिए, हम बताते हैं। देखिए ईमेल आईडी हमने इंटर कर लिया है, आगे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ भी इसमें इंटर कर लें। और देखिए इसमें जेंडर लिखा है, जेंडर के बाद लिखा है आपका कैटेगरी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कैटेगरी, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जनरल कैटेगरी जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप, तो आपको ये लिखेगा कि किस डेट के पहले का आपको, किस डेट के बाद का आपको ये चाहिए होगा आपको जाति प्रमाण पत्र। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए हमने जैसे हमने इसमें इंटर कर लिया, मेल फीमेल जो भी हो इंटर कर लीजिए। अब कैटेगरी जैसे हमने देखिए ये इंटर कर रहे हैं, ये हमने इंटर किया। अब हम इसमें इंटर कर देते हैं ओबीसी करके देखते हैं क्या मांगता है। देखिए जैसे ही ओबीसी क्लिक करने पे बोल रहा है सर्टिफिकेट इशू बाई एक आफ्टर 1 अप्रैल 2024। फिर से आपको हम दिखाते हैं, देखिए मांग रहा सर्टिफिकेट इशू ओनली ऑन आफ्टर 1/1 अप्रैल विल बी एक्सेप्टेड।
आपका दिखा हुआ सर्टिफिकेट इशू इसी समय होना चाहिए, अब ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा पूरी डिटेल, आप उसको फिर से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करते ही आपको देखिए लिख दिया है कि डन, रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन, और यहाँ पे इसको हटाते ही आपको आ जाएगा मेल आईडी और ईमेल आईडी का, मेल मोबाइल नंबर, मेल आईडी का ओटीपी। तो अब दोनों पे ओटीपी गया हुआ है, दोनों को आप इसमें फिल कर लें। पिन करने के बाद अब जैसे ही वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते ही लिख देगा आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, लिख देगा। फिर आप मेल हम अपना चेक कर लेंगे, मेल में आपका रजिस्ट्रेशन व पासवर्ड आया हुआ है, उसको आप इसमें इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपको बोलेगा कि पासवर्ड चेंज करने के लिए, ओल्ड पासवर्ड आप फिर से इसमें इंटर करके न्यू नया एक अपने अनुसार पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ऊपर दिया हुआ है ये स्पेशल करेक्टर क्या क्या आपको इसमें क्या क्या इसमें आप लगा सकते हैं, सिंबल ये सिंबल्स इसमें आप लगा सकते हैं, बस उसके अलावा और कोई सिंबल इसमें नहीं लगेंगे। अब इस सिंबल को लगा के अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। देखिए जैसे हमने क्रिएट कर लिया पासवर्ड, पासवर्ड आप सिंपल कोई भी बना सकते हैं, जैसे आप ऊपर के ABCD@123 ऐसे सिंपल कुछ भी बना सकते हैं आप। देखिए जैसे अब रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया, इसमें मांग रहा है कि फीस पेमेंट, ऊपर देखिए वेरीफाइड है, नीचे आ रहा है नाम डिटेल आ गया है, नीचे के बाद देखिए लिखा हुआ है फीस आपका 3,000 रुपये फीस जनरल ओबीसी का है जो आपको दिखा रहा है। तो इसको आप पेमेंट करने के लिए 3,000 रुपये का आप इसको क्लिक करेंगे, बिना पेमेंट के आगे फॉर्म नहीं भराएगा। देखिए आपका ये पत्र है, इसमें हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग को आप प्रिंट कर लेंगे, या जो भी आपको प्रिंट ना करना हो तो प्रिंट, बिना प्रिंट किए आप भर नहीं पाएंगे, तो प्रिंट आप कर लेंगे। प्रिंट करवा के इसको बाकायदे फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद इसमें आपको बाद में अपलोड करना है लास्ट में। फिर आप आ जाएंगे पेमेंट वाले पे, पेमेंट पे क्लिक करके आप इसको देखिए लिखा हुआ है फीस स्टेटस पेंडिंग, तो फीस स्टेटस जब तक आप फीस पेमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, फीस पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपका आगे फॉर्म नहीं भराएगा। तो आप फीस पेमेंट को खोल के, आपके पास डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, कोई भी चीज़ हो, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। पहले आपको मोबाइल नंबर मेल आईडी मांगेगा, इंटर करने के बाद आप जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो पेमेंट का प्रोसेस आ जाएगा, कैसे कैसे पेमेंट करना है। जैसे हमने इसमें इंटर कर लिया कि किस तरीके से हमको पेमेंट करना है, देखिए आप डेबिट कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड इंटर कर लेंगे, डेबिट कार्ड का नंबर डाल देंगे। अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग आप सेलेक्ट करके आप अपने नेट बैंकिंग से जाके पेमेंट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपके पास सुविधा हो उससे आप पेमेंट कर लें। जैसे हमने इसको आगे बढ़ाया है, देखिए अब तुरंत ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आ गया अब हम ओटीपी इसमें जैसे ही आ जाएगा ओटीपी हम इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद जैसे ही हम सबमिट करेंगे आपका नेक्स्ट है फॉर्म फिल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद ये भी खुल गया, खुलने के बाद देखिए ये अब मांग रहा है फिल फॉर्म, पेड हो चुका। अब फिल फॉर्म करेंगे तो आपको फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म आप देख लें, जो आगे भरना है वो आप उसमें भरते चले जाएँ। आपका निवास यूपी का है वो इंटर कर लें, और जहाँ के आप जन्म स्थान वहाँ भी इंटर कर लेंगे आप। आपकी एज कैलकुलेट करके दी हुई है, कितनी एज आपकी हो गई है, और आधार कार्ड आप इसमें इंटर कर लें। आधार
शाखा एंटर करने के बाद आधार कार्ड एंटर करने के बाद देखिए नीचे आएंगे आप, नीचे ईमेल आईडी पहले से क्या आ गया है जो आपने भरी थी, मोबाइल नंबर भी पहले से आ गया है। अभी मांग रहा सेव एंड नेक्स्ट, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका एड्रेस मांगेगा, एड्रेस आप अपना इसमें एंटर कर लेंगे, जहां भी आप आपका एड्रेस हो एंटर कर लेंगे। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आप एड्रेस इसमें फिल कर लीजिए। एक एड्रेस डालने के बाद स्थायी पता और परमानेंट पता दोनों एक भी कर सकते हैं आप, लिखा हुआ एज ए सेम परमानेंट एड्रेस। अब अपना पूरा नाम पूरा पता इसमें एंटर कर लेंगे, जैसे आप कि उसमें लिखा हुआ है पूरा पता। पिन कोड भी एंटर कर लेंगे, पिन कोड करने के बाद अब नेक्स्ट एंड सेव जैसे ही करेंगे तो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। क्वालिफिकेशन में देखिए आपका 10 का कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, अब एंटर कर लेंगे। इंस्टीट्यूट एंटर कर लेंगे और पासिंग ईयर और कितने में कितना नंबर पाए हैं और सब्जेक्ट आपका क्या क्या है। जी अगर आपका कोविड के साल में था, कोविड में ही आपको नंबर मिला था, अगर कोविड में नंबर नहीं मिला है, आपके मार्कशीट में नंबर नहीं लिखा है हाई स्कूल का, तो आप उसको क्लिक करके नंबर आपको नहीं भरना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए हम क्लिक करके दिखाते हैं आपको, लेकिन जैसे हमने क्लिक किया अब नंबर में सारे गायब हो गए। तो आप अगर कोविड में पास हुए तो आप क्लिक कर लेंगे, नहीं तो आप उसमें आप अपना नंबर भर लेंगे, अगर आपको नंबर मिला है तो इसमें नंबर इंटर कर लेंगे। नंबर भरने के बाद 12th अगर आपके पास अपेयरिंग है तो आप इसमें अपेयरिंग डाल लेंगे, या अगर 12th पास हो चुके हैं तो इसमें आप पास इंटर कर लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नाम इसमें आप इंटर कर लेंगे, जो जो सब्जेक्ट भी आपके पास हैं। और देखिए यूपी बोर्ड दोनों है, दोनों यूपी बोर्ड कर लेंगे और कॉलेज का नाम अपन दोनों जगह इंटर कर लेंगे। आपके पास आपका रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट का इंटर का नंबर भी इंटर कर लीजिए, अगर नहीं आया तो आप इसमें नीचे वाला अपेयरिंग में क्लिक करके आपको नंबर इसमें इंटर नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है आपके 12th में बायोलॉजी में कितना नंबर है, फिजिक्स में कितना है, और केमिस्ट्री में 100 में कितना है, और इंग्लिश में 100 में कितना है। ये चार सब्जेक्ट का नंबर आपको इसमें मेंशन करना ही पड़ेगा इंटर का। उसके बाद आप इस पर आगे आ जाएंगे, 12th का पहले आप सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट का नाम मुझे इंटर कर लीजिए। आराम से इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, जैसे हमने सारे सब्जेक्ट इसमें एंटर कर लिया। अब देखिए नीचे मांग रहा है सब्जेक्ट, तो अब 100 में से कितना पाए हैं बायोलॉजी में आप अपना नंबर एंटर कर लीजिए, और केमिस्ट्री में कितना पाए हैं वो भी एंटर कर लीजिए, फिजिक्स में कितना पाए हैं वो भी एंटर कर लीजिए, और इंग्लिश में कितना पाए हैं वो भी इंटर इसमें कर लीजिए। उसके बाद आप सेंटर पे आ जाएंगे, अब अपने अनुसार पास का 3 सेंटर का चुनाव कर सकते हैं, उस जो भी आप सेंटर चुनेंगे उसी में से आपको मिलेगा, और ज़्यादातर चांस फर्स्ट सेंटर का है आपको मिल जाएगा।
अगर फर्स्ट सेंटर नहीं मिलता तो आपको सेकंड थर्ड पे जाना रहेगा, वैसे फर्स्ट लगभग लगभग आपको मिल जाता है। तो आप इसमें अपने अनुसार सेंटर इंटर कर लेंगे। जहाँ जो सुविधा पड़ती है आपको वो इंटर करें। और जैसे आपको सेव इसको करेंगे ये परफार्मा आ जाएगा। देखिए अब इसमें मांग रहा है फ़ोटो और साइन। अब एक फ़ोटो मांग रहा है, नीचे साइन मांग रहा है, और आपका नीचे लिखा वर्ड वेरीफाइड ये बोल रहा है अपलोड वेरीफाइड परफार्मा। आपको जो परफार्मा उसमें दिखाया गया था पहले, उसी परफार्मा को आपको भर के इसमें अपलोड करना है। फ़ोटो वोटो उसमें लगा के परफार्मे में, उसके बाद इसको इसमें अपलोड करना है। ये परफार्मा है, देखिए हमने बना के रखा हुआ है सारा चीज़। जैसे हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद देखिए बैंक का डिटेल मांगेगा हम, और बैंक का डिटेल देखिए आप घबराइए नहीं, इसमें ये बैंक का डिटेल इसलिए मांग रहा है आपके जो पैसे रिफ़ंड के लिए, रिफ़ंड का जो प्रोसेस होगा बैंक का, जो भी आप इसमें फीस पेमेंट या कोई भी काउंसलिंग आप जो भी कराएंगे आप इसमें, वो सारे पैसे जो आप इस केस में लगाएंगे वो पैसा अगर रिफ़ंड करना रहेगा, तो अगर मान लीजिए एडमिशन नहीं होता रिफ़ंड, उस इसी खाते में आपका रिफ़ंड किया जाएगा। ध्यानपूर्वक इस बैंक के डिटेल को भर लें, बैंक का डिटेल गलती नहीं ही होना चाहिए। अकाउंट नंबर मांग रहा है, दो बार अकाउंट नंबर मांग रहा है, दो बार अकाउंट नंबर एंटर कर लीजिए सही सही। और नीचे दिया हुआ है बैंक रिकॉर्ड के अनुसार अपना नाम एंटर कर लें और उसका आईएफएससी कोड भी एंटर कर लें। जैसे आपके बैंक खाते में लिखा है उस तरीके से भरिएगा सेम। नीचे बैंक का नाम भी भरना है आपको, बैंक का नाम भी इसमें एंटर कर लेंगे। देखिए इसमें मांग रहा है आईएफएससी कोड, तो आप आईएफएससी कोड भी इसमें एंटर कर लेंगे। नीचे बोल रहा है बैंक का नाम डालिए, अब कौन सा बैंक आपका है वो अपना इसमें एंटर कर लीजिए, और किस राज्य से है और किस ज़िले से है वो भी आप इसमें एंटर कर लें। और उस जो आपको खाता आप जो इसमें मेंशन कर रहे हैं उस खाते की एक स्कैन कॉपी आपको इसमें लगानी रहेगी, जेपीएनजी कॉपी 200 KB से कम का फाइल आपको इसमें लगाना है, 50 से 200 के बीच में हो वो आपको इसमें लगाना है। देखिए हम इसको स्कैन करके रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको स्कैन करना हो तो आप स्कैन करें तुरंत, स्कैन करके आप इसमें उसको लगा सकते हैं। फाइल को छोटा बड़ा भी कब कर सकते हैं आप अपने अनुसार, जिसमें भी आप स्कैन कर लें और छोटा बड़ा किसी में भी आप छोटा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई अच्छी सी सॉफ्टवेयर हो। अगर फाइल बड़ी रहेगी तो अपलोड नहीं करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए लिख रहा है 200 KB से ज़्यादा है तो अब उसको छोटा और कर लें, करके फिर इसमें अपलोड कर लें। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट सेव करेंगे
सेव करने के बाद ये आपका फॉर्म कम्प्लीटली खुल जाएगा। उसको अब जैसे ही अपलोड एंड लाइव फ़ोटो करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा लाइव फ़ोटो का, देखिए सबमिट हो गया है, अभी कह रहा है ऑप्शन लाइव फ़ोटो। लास्ट में ये लाइव फ़ोटो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना लाइव फ़ोटो लगाए आपका ये फॉर्म भरना नहीं होगा। देखिए अब निर्देश में भी दे रहा है कि वीडियो चलता हुआ कैसे कैसे आपको करना है मूवमेंट, पहले राइट में आपको सीधे सीधे खड़े होके राइट में अपने चेहरे को कैमरे के सामने राइट में घुमानी है, उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट में घुमानी है, रोटेशन में ही आपको घुमानी है, वो आपका फ़ोटो कैप्चर ऑटो इसमें कर लेगा। तो आप इसको नेक्स्ट बढ़ा देंगे, देखिए जैसे इस फ़ोटो में दिखा रहा है आपको राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, हल्की हल्की स्पीड में आप इसको घुमाएंगे। आपके पास कोई भी हो, चाहे लैपटॉप में अगर कैमरा हो उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास वेबकैम हो तो उससे भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइल हो तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो आप जैसे ही कैमरा ओपन करेंगे, देखिए हमने जैसे कैमरा ओपन किया, ओपन करने के बाद परमिशन मांगेगा कि आप कैमरा से फ़ोटो खींचने के लिए परमिशन दें, तो आप इसे परमिशन देते ही आप आगे फ़ोटो की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। देखिए जैसे ही मांग रहा है डिवाइस नेम, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, डिवाइस में ओके करना है, अलाउ कर देना है, अलाउ करते ही देखिए अभी अब आ गया फ़ोटो इसमें आपको आ रहा है। देखिए आप अपने अनुसार साइज अनुसार इसको खड़ी करके देखिए मूवमेंट के लिए बोल रहा है, मूवमेंट आप धीरे धीरे आप मूवमेंट करेंगे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, आपको स्लोली करना है, आपका देखिए फ़ोटो स्लोली स्लोली सारे कैप्चर्स हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको अपलोड करिएगा, अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट, फाइनली सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट फाइनली हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका लास्ट का प्रोसेस है, आपका वो करना आपको ज़रूरी है, उसके बाद आप इसको प्रिंट को आप निकाल लें या अपने सिस्टम में सेव कर लें। तो ये वीडियो कैसी लगी बस दोस्तों, ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।